हाँ तो मिस्टर संजय, जमानत मिलने के साथ ही आप लोग यहां से गए क्यों नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, हम लोग जाने ही वाले थे, अचानक गाड़ी खराब हो गई तो जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए। अचानक अचानक कोई चीजें कभी कभी कुछ अजीब सी लगती हैं, क्यों मिस्टर रंजीत जी? वो देखिए इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ भी पूछना है साफ साफ पूछिए। ठीक है, आप ही बताइए, मालिनी का कत्ल किसने किया जी? इंस्पेक्टर साहब, ये हमें कैसे पता? हम कैसे बता सकते हैं? सोचिए, जरा गौर से सोचिए, शायद कुछ पुरानी बातें याद आ जाएं जिससे हमें कातिल का सुराग मिल सके। कुछ याद आया? यस इंस्पेक्टर, मुझे याद आया, मालिनी का कत्ल रंजीत ने किया। क्या संजय, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मालिनी का खून रंजीत ने ही किया है, क्योंकि उसने टोनी का कत्ल करके घर वापस आते हुए इसे देख लिया था, और इसलिए इसने मालिनी का कत्ल कर दिया, इसका खून कर दिया उसने, और इसी ने जानबूझकर कल हमारी गाड़ी खराब की ताकि ये सारे काम ये अंजाम दे सके। होश में आओ संजय, क्या कह रहे हो तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? रंजीत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान दे मार दूंगा, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बात। मिस्टर संजय, छोड़ो मुझे, संजय छोड़ प्लीज। मिस्टर रंजीत ने मालिनी का खून किया है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर, मालिनी का कत्ल इसने ही किया है। देखिए, मैंने कहा सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी, प्लीज शांत रहिए आप। मिस्टर रंजीत, एक बार और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलिए। लेकिन जाइए सर। चलिए, जिसने हमें कभी जेल भिजवाया था, आज वो खुद सलाखों के पीछे। हमसे दुश्मनी लेना चाहा था उन्होंने, अब देखो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये ऑपरेशन तुमने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया है, बस अब मैं टेंशन फ्री होकर इस देश से बाहर जा सकता हूँ। बाहर? बाहर क्यों? लेकिन राज, क्योंकि एक बार हाथ सब कुछ आ जाए तो फिर इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं, एक नए देश में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, दूसरा कोई नहीं। ओ राज, संजू बेटा क्या हुआ? मामा, पापा की बहुत याद आ रही है। बेटे देखो, कुछ दिनों की बात और है, फिर पापा वापस लौट आएंगे। पापा सचमुच लौट आएंगे? हाँ बेटा, जब आपके पापा ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर पुलिस उन्हें रोककर क्या करेगी? बस दो तीन दिन की बात है। तो फिर मम्मा आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं तो देखो, मैं तो स्माइल कर रही हूं। अच्छा चलो, अब तुम भी मुस्कुराओ, चलो। पता है ना, पापा को रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो मुस्कुरा। अच्छा महक कहाँ है? मम्मा वो बाहर बैठे रो रही है। संजू बेटा, तुम फ्रेश हो क्या?
मैं महक को लेके आती हूँ। ठीक है। कितनी खुश थी मालिनी जाने से पहले, क्या क्या सपने देखे थे हमने। छुट्टी से लौटने के बाद बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करूंगी, पर क्या पता था भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बहना, ये काम भगवान का नहीं बल्कि शैतान का है, शैतान का, उस रंजीत सक्सेना नाम के शैतान का। उसने अपनी जान बचाने के लिए हमारी मालिनी की जान ले ली, मगर हम उसे बचकर जाने नहीं देंगे। उसे उसके किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। भैया, उसने जो गुनाह किए हैं उसकी काफी नहीं है। अगर उसे मौत की सजा भी मिल जाए तो भी क्या हमें मालिनी वापस मिल सकती है? तुम सही कह रही हो बहना, शायद ईश्वर ने संजय की किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है, तभी तो पहले उसने मानसी को खो दिया और अब मालिनी। संजय जब से लौटा है अपने आप को कमरे में कैद कर रखा है, ना बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है, ना किसी से बातचीत ही करता है। अब तो उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। बहना, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? संजय को सिर्फ तुम ही समझा सकती हो बहना। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। इस रंजीत ने तो हमारे बेटे की सारी खुशियां ही छीन ली। एक्सक्यूज मी, मुझे रंजीत से मिलना है। थैंक यू। रंजीत, रंजीत कुछ तो कहो। देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आती हो सुमन मुझसे मिलने के लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो। नहीं सुमन, तुमने सुना नहीं संजय ने क्या कहा कि मुझ जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है, कत्ल भी। सुना नहीं तुमने? संजय ने जो कुछ भी कहा था वो रंजीत सक्सेना से कहा था। रंजीत सक्सेना एक बार को गलत हो सकता है, लेकिन संजू और महक के पापा कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये विश्वास मेरा ही नहीं, संजू और महक का भी है। कैसे हैं वो? ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ सुमन। रंजीत, मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द बेल हो जाए। नहीं सुमन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस तरह तुम बार बार मेरे लिए परेशान हो। शायद भगवान मुझे मेरे पुराने कर्मों का फल दे रहा और कुछ नहीं। सवाल सिर्फ रंजीत सक्सेना का नहीं, सवाल मेरे प्रॉमिस का भी है। मैंने संजू और महक से वादा किया है कि मैं जल्द से जल्द उनके पापा को उनके पास पहुंचा दूंगी। हाँ सुमन, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है। देखो, तुम इस तरह उनसे झूठा वादा मत किया करो, क्योंकि सुमन यहाँ से निकलना मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है। देखो रंजीत, हम दोनों ने अलग अलग बहुत से ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाए हैं। अब तो हम दोनों साथ हैं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं सुमन, देखो ये सारा केस संजय के बयान पर टिका हुआ है, और जब तक संजय नहीं चाहेगा ना कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हें तो पता है कि मालिनी की मौत ने संजय का ये हाल बना दिया कि वो सच को कभी देख ही नहीं पाएगा। सुमन, क्यों नहीं देखेगा? मैं दिखाऊंगी उसे सच, मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। रंजीत, मैं बहुत जल्द संजय से मिलूंगी। अपना ख्याल रखना। अरे वाह बहना, देखो कौन आया है। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। बैठो। कैसे आना हुआ? मामा जी, वो मुझे संजय से मिलना है। नहीं नहीं,
आजकल संजय किसी से नहीं मिलता। क्या सुमन बेटे, गोवर्धन भैया सही कह रहे हैं। जब से संजय आया है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, किसी से मिलता ही नहीं। मैं बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो मामा जी, मैं बस बैठो, बैठो सुमन, बैठो सुमन, प्लीज प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वक्त के साथ साथ सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। नहीं मामा जी, मुझे उससे मिलना ही होगा, उसे समझाना होगा। वो बहुत सारी गलतफहमी अपने दिमाग में पाल रहा है। गलतफहमी में तो तुम जी रही हो सुमन, तुम्हें तो अब भी यही लग रहा होगा कि मालिनी का खून रंजीत ने नहीं किया। मुझे लग नहीं रहा है मामा जी, मुझे पूरा यकीन है कि रंजीत ने मालिनी का कत्ल नहीं किया है। सुमन, हम पर तुम्हारा एहसान है, हमर भैया दौलत के लालच में अंधे हो गए थे, तुमने आकर हमारी आंखें खोल दी, हमें सही रास्ता दिखाया, और आज तुम खुद सच्चाई से मुंह मोड़ रही हो। क्या मम्मी जी, मैं जानती हूँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। और आप ही बताइए, भला रंजीत मालिनी का कत्ल क्यों करेगा? क्योंकि मालिनी रंजीत का राज जान चुकी थी, वो ये अच्छी तरह से जान चुकी थी कि टोनी का खून भी रंजीत ने किया था। मामा जी, टोनी का कत्ल रंजीत ने नहीं किया है। उस रात रंजीत मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है मालिनी ने संजय से झूठ कहा था? मम्मी जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मालिनी को कोई गलत फहमी भी तो हो सकती थी। अच्छा, तो फिर बंगले के नौकर राजू को भी गलत फहमी हो गई थी। मामा जी आप, सुमन, हम औरतों में एक गुण होता है, हम बहुत जल्द लोगों को माफ कर देते हैं, खासकर अपने पति को। रंजीत तुम्हारा पति है, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया तुमने उसके लिए उसे माफ कर दिया, मगर कुछ लोग माफी के लायक ही नहीं होते, और रंजीत भी उन्हीं में से एक है। मामी जी आप, तुम अपने गुनहगार पति को माफ कर सकती हो, मगर मैं अपने बेटे की खुशी छीनने वालों को कभी माफ नहीं कर सकती। मालिनी हमारी बेटी जैसी थी, और उसके कातिल को हम जरूर सजा दिलवा के रहेंगे। देखिए मामा जी, तुम बेकार में अपना वक्त खराब कर रही हो सुमन। आप लोग हे भगवान, आज से पहले मैंने हमेशा तुमसे रंजीत की मौत की दुआ मांगी थी, लेकिन आज मैं उसी इंसान की जिंदगी की भीख मांगने तुम्हारे पास आई। पहले भी इसकी वजह मेरे बच्चे थे, और आज भी उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भगवान, तुम तो जानते हो कि रंजीत बेकसूर है, फिर सच सबके सामने क्यों नहीं ले आते? कुछ ऐसा चमत्कार करो कि सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो।
कौन? मालिनी? मैं मालिनी बोल रही हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हेलो, हेलो। मालिनी जिंदा? तुम उसने फोन क्यों कर दिया? मैं संजय को फोन करती हूँ। संजय प्लीज फोन उठाओ प्लीज। हेलो, हेलो, गोवर्धन बोल रहा हूँ। मामा जी, मैं सुमन बोल रही हूँ। मामा जी, मुझे संजय से बात करनी है इसी वक्त। संजय किसी से बात नहीं करना चाहता। मामा जी, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज उसे बुलाइए। मैंने कहा ना, संजय किसी से बात नहीं करना चाहता। मामा जी, खबर ही ऐसी है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसी बात? मालिनी जिंदा है मामा जी। क्या? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मामा जी। तुम्हें कैसे पता वो जिंदा है? मालिनी से मेरी अभी फोन पर बात हुई है। वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मामा जी, इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती कि वो कहाँ है, फोन कट हो गया था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए सुमन जी। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? मगर मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझ गया हूँ सुमन। तुम रंजीत को छुड़ाने के लिए इस हद तक गिर सकती हो? नहीं मामा जी, मैं बस सुमन, बहुत हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने फायदे के लिए हमारे जज्बातों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करोगी। नहीं मामा जी, देखो, तुम्हारे पति ने जो हमारे साथ किया सो किया, लेकिन तुम तो हमें बख्श दो। सुमन, दोबारा यहाँ फोन मत करना, समझी? इतनी आसानी से बच के निकल जाओगी? मोनिका, तुम एक बात याद रखना, तुम इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकती। तुम चाहे कुछ कर लो, पर तुम मुझे यहाँ ज्यादा दिन तक कैद करके नहीं रख सकती। शौक भी नहीं है मुझे। बस एक बार हमें हमारी दौलत मिल जाए, तुम्हें सच में ऊपर पहुंचा देंगे हम। भूल जाओ मोनिका ये बात, भूल जाओ। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। शट अप। फ्रस्ट्रेशन में तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मेरी एक बात मानो मोनिका, तुम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में जायदाद नहीं जेल की रोटी और वहां कैदियों के कपड़े हैं, और कुछ नहीं। कमाल है सच में, हम यहाँ सबकी किस्मत लिख रहे हैं और तुम हमारी ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। गुड, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझो तुम। रंजीत तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में ऑलरेडी हवालात में है, संजय तुम्हारे मौत के गम में बावरा हो गया है, और सुमन, उसकी फिक्र तुम मत करो, सुमन का इंतजाम भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। फिर देखते हैं कौन किसकी किस्मत लिखता है, हम तुम्हारी या तुम हमारी। कोई मेरी बात का यकीन करे या ना करे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज मालिनी की ही थी। लेकिन अगर वो मालिनी थी तो फिर उसमें कौन थी? जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई सुमन, तभी तो तुम उस रंजीत जैसे खूनी की। अगर ये मालिनी है तो जिसकी लाश हमें मिली वो किसकी थी? नहीं, रंजीत खूनी नहीं हो सकता।
मुझे यकीन है रंजीत ने टोनी का कत्ल नहीं किया है। संजय को रंजीत पर इसलिए शक हुआ क्योंकि मालिनी और राजू ने उससे कहा था कि उन्होंने रंजीत को देर रात लौटते हुए देखा था। यानी सच क्या है ये या तो मालिनी जानती है या फिर राजू। ये बात मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आई? कल सब लोग वापस चले गए, सुमन मैडम, बच्चे और संजय साहब भी। जी मैडम। मैडम मेरे यहाँ रहते हुए आपको कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बस मैडम आपकी कृपा इसी तरह मुझ पर बनी रहे। जी जी मैडम, आपने जो पैसे दिए थे ना उससे मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है, उसी से फोन कर दो। हेलो, सुमन बोल रही, आप अपनी तारीफ बताएंगे? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? देखो ये लुका छिपी का गेम बहुत हो गया, अब तुम ज्यादा टाइम तक अपना चेहरा नहीं छुपा सकती क्योंकि तुम्हारा ये प्यादा अब मेरे हाथ। राजू कहां भाग गया? अबे रुक रुक, तेरी तो बहुत भाग लिया तू, चल ले चल इसे। खुद देखा था ना उस औरत से बात करते हुए, तुमने उसे यही बताया था कि हम लोग बंगला छोड़ के जा रहे हैं। मैडम आप सही कह रही हैं मैडम, मैंने उस औरत से बात की थी क्योंकि उस मैडम ने कुछ दिन पहले उस बंगले की बुकिंग कराई थी, इसलिए मैं उस औरत से बात कर रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम, हमेशा मैंने सच ही कहा है और आज मुझे सच बोलने की ये सजा मिल रही है मैडम। आप इसकी बात मत सुनिए। तुम कहना क्या चाहते हो? साहब उस दिन रात में मैंने रंजीत साहब को छिपते छिपाते बंगले में घुसते हुए देखा था, उनके खून से रंगे हाथ को भी मैंने धोते हुए देखा था साहब। लेकिन साहब मेरी गलती ये थी साहब कि मैंने संजय साहब को बता दिया। साहब ये सुमन मैडम मुझ पर दबाव बना रही है ताकि मैं अपना बयान बदल दूं साहब, साहब ताकि रंजीत साहब छूट जाए। अगर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट उस केस में होता तो कबूल कर लेता। इंस्पेक्टर प्लीज बस बात हो गया, मैंने बहुत सुन लिया आपका, कॉन्स्टेबल छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर आप क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप चुप रहिए और चुप रहिए। इंस्पेक्टर सिर्फ इस केस में यही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, इसे छोड़ रहे हैं। राजू तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? विजय सक्सेना चुप रहो। अरे संभाल इसको। साहब साहब ठीक है, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है ठीक। और सुनो राजू, जो तुमने उस रात देखा था याद है ना तुम्हें? अगर कल को तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो सच सच वही बताना। जी सर। समझे ना? जी सर बिल्कुल साहब, सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, आप इसे मत छोड़िए इस तरह से। आप चुप रहिए, बहुत हो गया। चुप रहने से सुमन सक्सेना झूठी साबित हो गई, मगर वो चुप नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ करेगी। इससे पहले कि वो कुछ करे मुझे मोनिका मैडम को फोन करके बताना पड़ेगा। फोन बहुत बड़ा। इसका
इसका मतलब है राजू ने हमारे ड्रामे को सच समझ लिया। अब देखना मैं किस तरह इसके जरिए उस औरत तक पहुंचता हूं। हेलो मैडम, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजू, क्या खबर है? मैडम बहुत गड़बड़ हो गई थी, उस सुमन सक्सेना ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था मैडम। मगर मैडम आप घबराइए मत, मैडम आप परेशान मत होइए, मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला मैडम, मैंने उल्टा उस रंजीत सक्सेना को ही फंसा दिया। Very good. जी मैडम, थैंक यू सो मच। लेकिन मैडम एक दिक्कत है, अब मेरा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है मैडम, मेरे लिए कुछ कीजिए प्लीज। तुम एक काम करो, तुम जहाँ हो बस वहीं रहो, हमारे आदमी कुछ ही देर में तुम्हें हम तक पहुँचा देंगे। जी मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। सुमन जी, इस तरह हम नहीं पकड़ सकते, प्लीज बैठिए, मुझे गाड़ी से पीछा करना पड़ेगा उनका, प्लीज। हम तक पहुंच सकना इतना आसान नहीं है, तुम हम तक कभी भी नहीं पहुंच सकोगे, कभी नहीं। इंस्पेक्टर अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि रंजीत को फंसाया जा रहा है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस बेरहमी से उन्होंने राजू का कत्ल किया। जी मैंने सब कुछ देखा भी है और समझ भी रहा, लेकिन मिसेस सक्सेना हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। जहां तक मेरा ख्याल है मिस्टर रंजीत सक्सेना बेगुनाह, लेकिन क्या करें, कानून को सबूत चाहिए और फिलहाल सारे सबूत मिस्टर रंजीत सक्सेना के खिलाफ है, और जब तक हमें असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक हम मिस्टर रंजीत सक्सेना को रिहा नहीं कर सकते। मगर इंस्पेक्टर राजू का तो कत्ल हो चुका है और वही एक कड़ी था जो हमें कातिल तक पहुंचा सकता था। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेबल। यस सर। राजू के घर वालों को पता लगा, शायद हमें उनसे कोई सुराग मिल जाए। सर हमने बंगले के आसपास सभी लोगों से पूछताछ की मगर राजू के घर वालों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, न्यूज पेपर में उसकी तस्वीर छपवा दो, शायद उसका कोई जानने वाला नहीं। मिसेस सक्सेना आप कुछ सोच रही हैं? इंस्पेक्टर राजू की मौत से जितना नुकसान हमें हुआ है उतना बड़ा झटका कातिल को भी लगा होगा। राजू को उन्होंने हमारी जासूसी के लिए रखा था, अब अगर वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें एक नया जरिया ढूंढना होगा। यू आर राइट, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। इंस्पेक्टर आपके लिए मसला बाकी केसेस की तरह होगा, लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, रंजीत की जिंदगी और मेरे बच्चों की खुशी का सवाल है। डोंट वरी मिसेस सक्सेना, कातिल हमारी नजरों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। ओके इंस्पेक्टर, मैं चलती हूँ। ओके
में बंधे हुए लोगों पर हाथ उठाने का? No, come on, hit me, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी उसके लिए पहले तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा, समझी? तुमसे अपने सारे हिसाब चुका कर जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मुझे संजय से इतने दिनों तक दूर रहना पड़ा, तुम्हारी वजह से संजय और रंजीत के बीच गलतफहमी पैदा हुई, तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले मुझसे पैसे ना मांगने लगेंगे, सब तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैंने ठान लिया है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बहुत चिल्ला रही है, हट! आज इसको रे, ए चुप! चींटी के भी पर निकल आए हैं, पड़ी रहो अब तुम यहीं पर, यहीं सड़ जाओगी तुम। अबे बड़े लेके चल रहे क्या? खड़े रहे, सीधे खड़े रहे। क्या क्या मैं तो बिल्कुल सीधा जा रहा था, तुमने मेरे को धक्का दिया। पुलिस वाले को बता था डंडा देगा ना, दूंगा एक रख के। ए तुम पुलिस वाला लोग क्या समझते हैं अपने आप को? हाँ, ये वर्दी पहन ली तो पब्लिक का कोई इज्जत ही नहीं है, क्या करेगा तू? मरेगा मेरे को, मारे हाथ लगा मेरे को हाथ लगा, मैं तेरे को कोर्ट में घसीटा नहीं ना तो मैं पब्लिक नहीं। चुप, क्या साहब दारू पिया हुआ है तू? समझा रहा तो मुझसे लड़ रहा है साहब। क्या नाम है तेरा? मारेगा क्या मेरे को? मारेगा, मार मार मेरे को मार। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जवाब नहीं देगा तो क्या करेगा? कांस्टेबल, इसका मेडिकल टेस्ट कराओ और इसे सुबह कोर्ट भेज दो, और वैसे भी रात भर में इसका नशा उतर जाएगा, बंद कर दो इसे लॉकअप में। बस चले। ए धक्का मत दे। चल रहा है। ए धक्का मत दे। वे चलना। ए चल। ए ए ए धक्का क्या दे रहा है? ए धक्का देना नहीं। अरे तुम हंस क्यों रहे? क्यों हंसना मना क्या? हवालात में लिखा है किधर? इधर इधर किधर लिखा है क्या? नहीं लिखा। बताओ, आजकल बड़े बड़े लोग भी हवालात में बंद रहने लग गए हैं, बड़े बड़े लोग। इसीलिए तो साला अपना इज्जत पब्लिक का इधर खत्म हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी बोला नहीं मैं कुछ। बोलेगा ना रात भर नींद नहीं आएगी तेरे को, रात भर नहीं सोएगा, रात भर नहीं सोएगा। इधर आ, इधर आ। अरे तेरे से मिलने आया रे मैं, इधर तेरे को मिल। मुझसे आजा 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 आ आना। क्या बात? क्या मैं तेरे को समझाता है? अपनी बीवी को आगे तू समझा देना। क्या क्या ये पुलिस के मच-मच में नहीं पढ़ने का ज्यादा, वरना तू ऐसे ही जिंदगी भर इधर रह जाएगा अंदर। कौन हो तुम? अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है रे, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तेरे को इधर से बाहर निकालना है, और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक तेरी बीवी हम लोग के कहने में नहीं चलेगी, जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं मानेगी, तब तक नहीं। क्या कह रहा? अब मैं मतलब क्या है? अरे यार हर चीज का मतलब मेरे को नहीं पता है। सुन इधर, ये रख। ये क्या? ये रख, बीवी को देना,
बोलना ये नंबर पे बात करेगी सब समझ में आ जाएगा। रख 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 रखना, बीवी को देना, फोन करने बोलना। लेकिन तुम हो कौन? अरे उसको छोड़ रे, मेरी चिंता छोड़, तू आम का पेड़ मत गिन। अरे अपना बॉस लोग अपन को छुड़ा के लेके जाएगा, और बहुत बड़ा केस नहीं है, जुर्माना भरेगा निकल जाएगा। तू सो, गुड नाइट, फोन करना बीवी को, बोलना फोन कर। सो सो जा, सो जा, सो जा। रात तुम फिर यहाँ आ गए। मामा जी देखिए, मेरा संजय से मिलना बहुत जरूरी है। संजय यहाँ नहीं है। देखिए मामा जी, मुझे सिर्फ उसे इतना बताना है कि मालिनी जिंदा है, वो मरी नहीं। तुम बार बार इस तरह की बातें करके क्यों हमारी उम्मीद जताती हो? मामा जी अगर आपको मेरी इस बात का यकीन नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात जरूर बताऊंगी जिससे कम से कम आपको ये यकीन तो हो जाएगा कि रंजीत सचमुच बेकसूर है। कैसी खबर? मामा जी राजू का कत्ल हो गया है। क्या? अब आप ही बताइए, पुलिस कस्टडी में रहते हुए रंजीत राजू का कत्ल कैसे कर सकता है? इससे ये बात तो साबित होती है मामा जी कि कोई शख्स है जो सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता। सुमन, ये भी तो हो सकता है कि वो शख्स रंजीत ही हो, और उसने जेल में रहते हुए किसी और से उसका कत्ल करवाया। मामा जी शक का इलाज तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हाँ एक बात और बताना चाहूंगी, राजू को मैंने एक औरत से बात करते हुए सुना था, उस औरत ने राजू को हमने के लिए वहां रखा था और उसे इस बात के रुपए भी मिलते थे। पुलिस के जरिए बस मैं उस शख्स तक पहुंचने ही वाली थी कि उससे पहले ही राजू का कत्ल कर दिया गया। सुमन, ये भी तो हो सकता है कि वो शख्स रंजीत ही हो, और उसने जेल में रहते हुए किसी और से उसका कत्ल करवाया हो। खैर कोई बात नहीं मामा जी, फिलहाल तो मैं रंजीत से मिलने जा रही हूँ। अब कानून उसे जो सजा देगा, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी, और उस दिन इतनी देर ना हो जाए मामा जी कि आप लोगों को पछताने तक का वक्त ना मिले। बिल्कुल सही। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं मैं देखता हूँ। या या ओके ओके बाय। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। इंस्पेक्टर, राजू के घर वालों का कुछ पता चला? फिलहाल तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है। आई होप हमें बहुत जल्द कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। इंस्पेक्टर इफ यू डोंट माइंड, मैं रंजीत से मिल सकती हूँ प्लीज? व्हाई नॉट, श्योर। कांस्टेबल मैडम को मिस्टर रंजीत से मिलवाओ। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या हुआ सुमन? संजय के घर वाले तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है ना? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन्हें बहुत जल्दी अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। नहीं सुमन, इतना आसान नहीं है। जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है सुमन। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो लोग कौन है तो। पता चल सकता है? वो कैसे? ये रहा, काट, छुपा लो, छुपा लो। ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये उस इंसान का फोन नंबर है जो इस सब के पीछे। लेकिन तुम्हें किसने दिया ये? एक्चुअली उस शख्स ने खुद एक आदमी के जरिए यहाँ इस लॉकअप में ये कार्ड मुझ तक भिजवाया, और उसके साथ
ये भी चेतावनी दी है कि इस बात की खबर पुलिस को नहीं लेनी चाहिए, वरना वो तो मिसेस सक्सेना जी, कातिल तक पहुंचने के लिए मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है। इंस्पेक्टर अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं फिर आपसे मिलूंगी। I'm sorry. अचानक इन्हें क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ओके ओके बाय। मिस्टर रंजीत, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी कहिए। देखिए, ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने में कोई फायदा नहीं। जी मैं समझा नहीं। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। उस दिन वो गुंडा लॉकअप में आकर आपको एक चिट दे गया जो आपने अपनी पत्नी सुमन को दे दिया। देखिए मिस्टर रंजीत, मैं आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ, वो एक बहादुर और समझदार औरत है, लेकिन आजकल वो जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। इससे केस सुलझने की बजाय और उलझ सकता है। अंधा अगर आपसे मिलने आए तो उनसे कहिए कृपया पुलिस से कोई इंफॉर्मेशन छुपाए नहीं, बताएं। जी इंस्पेक्टर साहब। वो केस को अकेले सॉल्व करना चाहते हैं और इससे कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और मुसीबत में फंस जाए। क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं बहना, बस ऐसे ही। क्यों अपने आप से झूठ कह रहे हो? सुमन की बात को सच क्यों नहीं मान लेते? अगर उसकी बात सच हो जाती है तो इसमें हमारी ही भलाई है। क्या पता शायद मालिनी जिंदा हो। मामा, आप पापा से मिले? हाँ बेटा, वो तुम लोगों को बहुत याद कर रहे थे। अच्छा मामा, क्या हम लोग भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं? हाँ सब बताया। मामा पापा ठीक तो है ना? तुम चिंता मत करो, बस 2-3 दिन में वो वापस आ जाएंगे। सच मामा? अब सच कह रही है? अच्छा देखो संजू, छुट्टियां बहुत मना ली हुँ? और ये टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, मम्मा है ना। अच्छा तुम एक काम करो, अंदर जाके पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है। ठीक है। हेलो सुमन, कैसी हो? आप कौन बोल रही हैं? क्यों फालतू के सवालों में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। जरूरी है ये जानना कि रंजीत को कैसे बेगुनाह साबित करोगी तुम। कहना क्या चाहती हैं आप? आई होप तुम्हारे आसपास इस वक्त कोई नहीं है। नहीं, तुम चाहती क्या? गुड, अब पूछा ना तुमने सही सवाल। बंसी, बंसी देखो दरवाजे पर कौन है। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम? आप एक मिनट। हाँ कहाँ चला गया ये बंसी? हेलो। हेलो। हाँ जब्बार बोलो। क्या हुआ, कौन आया था उसके घर पे? मैडम पुलिस वाले आए हैं सिविल ड्रेस में। नजर रखो उन पर।
ये सुमन सक्सेना भी बाज नहीं आएगी। ठीक है, नुकसान भी उसी का ही है। आई बैठी। थैंक यू। इंस्पेक्टर आप गए नहीं वापस? क्यों, मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए। शायद मेरे आने से पहले आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रही थी। जी, आपको कैसे पता? इसलिए क्योंकि आपका रिसीवर होल्ड पर रखा हुआ था। वो एक्चुअली रॉन्ग नंबर था। कमाल, पहली बार मैं किसी को रॉन्ग नंबर को होल्ड पर रखे हुए देख रहा हूं। आप कुछ परेशान से लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप कल मिस्टर रंजीत से मिलकर इतनी जल्दी क्यों चली गई? ये कैसा सवाल है? मैं ज्यादा कुछ बात करने को था नहीं, इसलिए जल्दी वापस आ गई। पता है मिसेज सक्सेना, कल एक अजीब सी घटना हुई। एक गणपत नाम का आदमी ठीक पुलिस स्टेशन के सामने अचानक शोर मचाने लगा और कुछ लोगों के साथ झगड़ा भी किया, इसलिए मैंने उसे उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया। पूरी रात वो लॉकअप में रहा और सुबह उसे छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? इस सब से रंजीत के केस का क्या ताल्लुक है? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुबह जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के अनुसार उस आदमी ने ज्यादा शराब भी नहीं पी हुई थी, फिर भी उसने ऐसा नाटक किया। क्यों? ताकि वो लॉकअप के अंदर जा सके। लेकिन वो लॉकअप के अंदर क्यों जाना चाहता था? लॉकअप के अंदर एक ही आदमी बनता, मिस्टर रंजीत सक्सेना। वो लॉकअप के अंदर इसलिए जाना चाहता था ताकि वो मिस्टर रंजीत सक्सेना से मिलकर उन्हें कोई खबर दे सके। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे रंजीत ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद मेरा सोचना गलत हो, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो प्लीज मुझे खबर करें। और हाँ, जनता अगर पुलिस की मदद करेगी तो पुलिस को जनता की मदद करने में और आसानी हो जाएगी। जी जरूर। एनीवे, आज हेलो कंट्रोल रूम, सुमन के घर का फोन टेप कर रहे हो ना? हाँ, करते रहो। चलो सुनो। जी, सुमन सक्सेना के घर का फोन टैप हो रहा है ना? हाँ जी, हो रहा है टैप। हेलो। हेलो, तुम बाज नहीं आओगी सुमन? मैंने सोचा था मैं तुमसे मिलकर तुम्हें रंजीत की बेगुनाही का सबूत दे दूं, लेकिन तुमने तो उससे पहले ही पुलिस को बुला लिया। नहीं देखो, मैंने उसे नहीं बुलाया था, ट्रस्ट मी, वो खुद ही आया था। नहीं सुमन, क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम पुलिस को फिर से ना बुला लो? देखो मैं गारंटी देती हूँ, वो नहीं आएगा। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज। ठीक है, तो फिर कल ठीक 11 बजे तुम मुझे काली मंदिर के पास मिलना और मैं तुम्हें रंजीत की बेगुनाही का सबूत दे दूंगी। मैं ठीक 11 बजे पहुंच जाऊंगी। एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं, तुम वहां अकेली आओगी, पुलिस के साथ नहीं, समझी तुम? हाँ, मैं अकेली आऊंगी।
ये वक्त आज काट ही नहीं रहा, अभी तो सिर्फ 9:30 हुए हैं और अब मुझे 11 बजे वहां पहुंचना है। हेलो, गुड मॉर्निंग सुमन। हाँ देखो, मैं काली मंदिर के लिए बस निकल ही रही हूँ। नहीं, तुम काली मंदिर नहीं, नेशनल म्यूजियम की तरफ निकलो, ठीक 10 बजे। 10 बजे नेशनल म्यूजियम? लेकिन तुमने तो 11 बजे कहा था ना। हाँ कहा था, वो तो पुलिस को झांसा देने के लिए। पुलिस? हाँ पुलिस, क्योंकि वो तुम्हारे घर का फोन टैप कर रही थी। क्या? सिर्फ आधा घंटा रह गया है तुम्हारे पास रंजीत की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने के लिए। हाँ लेकिन आधा घंटा, नेशनल म्यूजियम, बाय। आधा घंटा?